तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं पर जीटीए 5। और गाइस आज हम यहां पर अपनी इंडियन कार वर्सेस सुपर कार के बीच में गाइस रैंप जंप चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस आज का जो अपना रैंप जंप चैलेंज जो होने वाला है यार, वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि गाइस देख सकते हो, ये है अपना रैंप जिसपे भाई अपनी गाड़ी को जाना है और उसके बाद उनको जंप लेना है। बट इस बार जो है भाई, यहाँ पर गाड़ी को जंप तो ले नहीं लेना है, बट गाइस यहाँ पर अपन लोगों ने एक टारगेट लगा रखा है जिसके अंदर भाई अपनी गाड़ी को जाके मतलब लैंड करना है। तो जो भी गाड़ी मतलब आपको सामने जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है, वहाँ पर अगर जाके भाई जंप कर जाएगी तो वो आज के चैलेंज में विनर होने वाली है गाइस। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ी जो है भाई वो मतलब अपना जो फिनिश टारगेट है उसको पूरा कर पाती है। और बाकी यहाँ पर फुटबॉल देख रहे हो भाई, कितनी सारी फुटबॉल पड़ी है, मतलब काफी ज्यादा फुटबॉल है यार। तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अपने सबसे पहली जो अपनी गाड़ी ली है गाइस वो है यार अपनी महिंद्रा की थार गाइस। भाई पता नहीं मैं उसको टोयोटा थार क्यों बोलने वाला था, पता नहीं कौन से नशे थे। फिलहाल तो अभी गाइस देखते हैं कि अपनी जो महिंद्रा थार है वो गाइस यहाँ पर ये रैंप जंप चैलेंज कर पाई क्या नहीं। एड ओ भाई साहब, ये तो पहले थोड़ी सी डगमगा रही है, बट कोई नहीं गाइस। एंड अभी देखते हैं गाइस क्या अपनी जो महिंद्रा थार है यार वो यहाँ पर परफेक्टली उस सामने जो अपना मतलब क्या बोलते हैं बक्सा टाइप को बनाया वहाँ पर जा पाएगी या फिर नहीं जा पाएगी। एंड क्योंकि गाइस थार की स्पीड तो यार काफ़ी ठीक है भाई, 300 की स्पीड है ऑलमोस्ट गाड़ी की। एंड ओके भाई, सेवन गियर भी पड़ चुका है गाइस यहाँ पर। एंड अभी जंप लेने वाली है गाड़ी और भाई देखते हैं क्या होएगा, लेट्स गो। एंड ओके, 300 की स्पीड तक गई नहीं है और ये मारा अपनी थार ने जंप गाइस यहाँ पर। और ओ भाई साहब, भाई महिंद्रा थार तो भाई पार निकल जाएगी। अरे नहीं यार, इस बॉक्स के अंदर 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 ओ ओ और भाई बिल्कुल बिल्कुल एच पे जाके टकरा के वापस आ गई। मतलब लाइक एक बार को मेरे को लगा था कि ये गाड़ी बाहर जा रही है, बट नहीं गाइस, अपनी थार जो है भाई वो आज के चैनल में विनर हो चुकी है गाइस। अपनी पहली सुपर कार है गाइस, अपने बुगाटी सुपर 300 गाइस। और यार बुगाटी सुपर 300 का मेरे को सीन पता है, ये लग रहा है कि मुझे लगता है गाइस ये वाली गाड़ी ना भाई ये उस बॉक्स के भी पार जाके जंप करेगी, बिकॉज इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा। और बुद्धों पर एरोप्लेन उड़ रहा है भाई साहब। ओके ओके, अपनी अपन से कुछ ज़्यादा ही ऊँचा उड़ रहा है, बट ठीक है। एड और भाई, इसकी तो स्पीड 400 बढ़ती जा रही है गाइस, सुपर 300 की स्पीड। और भाई ये देखो 500 तक पहुँच गई है गाइस। और भाई 600 टच कर देगी क्या? ओके 540 की स्पीड है। ओ भाई साहब, अरे यार भाई अपना फिनिश तो भाई बहुत पीछे रह गया। अबे ये कुछ ज़्यादा ही लंबा जंप है गाइस। और भाई साहब मेरे को लग रहा है सामने लॉस सैंटोस सिटी में जाके गिरेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, उतना लंबा जंप ही नहीं है, बट फिर भी गाइस तुम लोग देख चुके हो और काफ़ी अच्छा खासा लंबा जो है भाई गाड़ी ने जंप करा है। बट बात हुए अरे यार सल्लू भाई बना दिस यार। ओ सॉरी, हाँ मैं बोला था गाइस की बात हुई थी भाई उस बॉक्स के अंदर जंप करने की, ना कि इधर उधर दिन। तो भाई अपनी सुपर 300 ने वैसे तो काफ़ी कमाल का जंप किया है, बट चैलेंज में फेल हो चुकी है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपने मॉन्स्टर बीस्ट फोर्ड एंडोवर गाइस। और भाई एंडोवर का सीन देखते हैं क्या होता है। एंडोवर भी मेरे को लगता है काफ़ी हाई चांसेस है कि ये भाई पूरे जो अपना फिनिश पॉइंट है उसके पार जाके गिरे, बट ये गाड़ी थोड़ी सी भारी भी है तो मे बी पॉसिबल हो कि ये परफेक्ट जंप कर जाए। फिलहाल ओ भाई सामने एक और एयर आ रहा भैया, क्या मस्त लग रहा है यार, वाइट और रेड और U6 लिखा है उस पर। ओके ठीक है, जो भी प्लेन होगा हमें क्या मतलब है उससे। फिलहाल तो गाइस अपने एंडोवर भाई, ओ ये तो 300 पार जा रही है गाइस। क्या भाई, जब सोचो थार जब 300 टच नहीं करी थी तो वो गाड़ी मतलब लाइक मेरे को लग रहा है गाइस अपनी एंडोवर पार निकलने वाली, मैं पक्का बता रहा हूँ। एंड ओके ओके गाइस, यहाँ पर एंडोवर ने जंप कर दिया है और एंडोवर तो भाई यहाँ पर इस बॉक्स के सीधा बाहर जाने वाली है। ओ नो गाइस, भाई यहाँ पर मतलब देखो जंप तो कमाल का है, सब कुछ बढ़िया है, बट यार जो चैलेंज है ना वो चैलेंज मतलब लाइक इसने नहीं करा है, तो इसीलिए ये गाड़ी भी आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अपनी अगली सुपर कार है गाइस अपनी ला फरारी। और भाई ये गाड़ी भी मेरे को लग रहा है गाइस ये पार जाएगी भाई, क्योंकि इस गाड़ी की भी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और तुम लोगों को यकीन ना हो रहा हो तो तुम लोग खुद ही देख लो भाई, ये देखो 300 की स्पीड तो भाई यूँ पकड़ ली थी चुटकियों में, 400 की स्पीड भी बहुत आराम से पकड़ ली। ये लो भाई 400 भी क्रॉस कर दिया है और 500 भी ये चली जाएगी मेरे को लग रहा है। एंड भाई स्पीड तो बढ़ती जा रही है, लो 500 क्रॉस कर दिया है। एंड इसकी भी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट बुगाटी सुपर 300 के बराबर हो गई है, तो इसका मतलब ये वाली भी गाड़ी बहुत लंबा दम करने वाली है। एंड जी गाइस भाई देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा दूर तक यह गाड़ी आ चुकी है, बट अपना फिनिश तो यार बहुत ज़्यादा पीछे रह गया यार। कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या सुपर 300 से भी आगे जा रही है। जी आ गाइस, उससे भी ज़्यादा लंबा जंप है। एंड अरे ये क्या हो गया भाई, ओ सॉरी गाइस गलती से भाई
गलत बटन दब गया एंड ओके ये देख सकते हो भाई यहाँ पर आके जो है भाई मतलब अपनी लाल फरारी ने जंप किया है गाइस। अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 क्लासिक और देखते हैं S11 क्लासिक का क्या स्पीड होने वाला है। क्या ये गाड़ी जो है भाई यहाँ पर परफेक्ट जंप करेगी या फिर इसका भी जो है जंप थोड़ा आगे पीछे मतलब 19-20 होने वाला है। लेट्स सी। और भाई चल तो बढ़िया रही है। ओके 200 की स्पीड से ही भाग रही है भाई ये गाड़ी। ये थोड़ा सा ओके ओके अभी बढ़ना शुरू हुए भाई बीच में एकदम से पता हो सकता है स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है ना कई बार तो मे बी वो स्पीड स्टक हो गई बट अभी बढ़ रही है और ये भी 300 प्लस की स्पीड से जा रही है गाइस। और तुम लोग सोच रहे हो कि अगर मेरे को अगर इन गाड़ियों को विन कराना ही है तो मैं इनकी स्पीड कम करके भी तो जंप करा सकता हूँ बट नहीं यार अपन टॉप स्पीड से जंप कराएंगे और जो होगा वो देखा जाएगा समझ रहे हो। तो यहाँ पर भाई स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की भी टॉप स्पीड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी और जिस वजह से गाइज ये वाली गाड़ी भी जो है भाई भाई अपने फिनिश पॉइंट के पूरा पार जा रही है। तो ये गाड़ी भी जो है गाइज यहाँ पर आज के जल्द में फेल हो गई। और बाकी अरे भैया जी ये क्या ही डैमेज हुई है भाई अब इसका हाल देखो गाइज कितना खतरनाक हो गया है। गाइज अपनी नेक्स्ट सुपर कार है गाइज अपनी कौन सी जैस को यार और मतलब देखो गाइज जिस वाली गाड़ी से ये वाला चैलेंज तुम लोग कंप्लीट मतलब लाइक विनर अगर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तो भूल जाओ भाई। ये गाड़ी तुम देखो भाई अभी इसकी टॉप स्पीड देखो भाई इसकी टॉप स्पीड तो अलग ही खतरनाक है भाई। ये देखो 400 इसने यहीं पे पकड़ लिया है और अभी आधा भी रैंप मतलब इसलिए कवर नहीं कराया। देखो 500 गई भाई चौथे गियर में ही 500 चली जाती है गाड़ी। और अभी देखो भाई टॉप स्पीड आ गई 540 की मैक्स स्पीड है और उस स्पीड से भाई जो है भाई कौन सी जैस को ने जंप किया है गाइज। और भाई फिनिश तो थोड़ा और आगे अगर मेरे को शिफ्ट भी करना पड़ता ना तब भी शायद उसको पार कर जाती। फिलहाल तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा लंबा जंप कर रही है भाई अपनी कोनिशिक जैस को यहाँ पर और भाई इसका जंप मेरे को लगता है अब तक का सबसे लंबा जंप है। जी हाँ गाइस भाई वो देखो लाफरारी वो खड़ी है उससे पीछे है अपनी बुगाटी सुपर 300 और कोनिशिक जैस को भाई सबसे ज़्यादा आगे आ चुकी है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी टाटा हैरियर और भाई देखते हैं यार टाटा हैरियर का क्या सीन होने वाला है। मेरे को लग रहा है यार टाटा हैरियर के थोड़े से हाई चांसेस है कि ये गाड़ी जो है गाइस अपना आज का चैलेंज यहाँ पर पूरा कर ले क्योंकि इस गाड़ी की ना टॉप स्पीड उतनी कुछ खास मतलब खास है पर उतनी ज़्यादा खास नहीं है कि मेरे को लगता है ये 300 तक जाएगी बट अभी तक भाई स्पीड तो इसकी बढ़ती जा रही है गाइस तो कुछ भी हो सकता है। ओके अगर ये 290 नहीं ले ले 300 पार जा चुकी है गाइस तो अब तो मुश्किल लग रहा है भाई 313-14-15 ले भाई 320 की स्पीड तक पहुँच गया गाइस अपनी हैरियर और अब तो पक्का पार जाने वाली है अपने फिनिश पॉइंट की मैं पक्का बता रहा हूँ भाई। ये देखो जाएगी 110% जाएगी भाई कुछ भी कर लो गाइस। ये देखो मैं पहले बोल दिया था जिस गाड़ी की स्पीड 300 के अंडर रहेगी उसका हाई चांसेस है और जो गाड़ी 300 पार निकल गई समझ लो फिर उसका काफ़ी मुश्किल ही सीन है और हैरियर का भी बिल्कुल वैसा ही सेम हुआ है। गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी क्या बोलते हैं लैम्बोर्गिनी सियान गाइस और भाई लैम्बोर्गिनी सियान देखते हैं गाइस मेरे को पता नहीं है कि ये गाड़ी का एक्चुअल में टॉप स्पीड से रैंप पे कितनी रहने वाली है तो मैं ऐसा प्रिडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ बट मेरे को लग रहा है कि ये गाड़ी भी 300 पार की जाएगी तो काफ़ी मुश्किल है गाइस यहाँ पर जो है इसको। परफेक्ट जंप कराना परफेक्ट ठीक है परफेक्ट बोलने वाला था मैं पता नहीं थोड़ा होता ना ऐसा वर्ड भूल गया था तो थोड़ा सोचने में टाइम लग गया अपन को एंड कोई एंड स्पीड ओके 317 की है तो देखते हैं क्या होता है। ओके स्पीड इसकी जंप के टाइम पे कम हुई है गाइस क्या ये जो है नहीं यार पार जा रही है मतलब थोड़ी सी और स्पीड कम हो जाती ना हल्की सी तो ये गाड़ी मतलब लाइक उसके अंदर परफेक्ट जाके फिट हो जाती भाई अपने फिनिश के अंदर बट ऐसा हुआ नहीं है तो ये गाड़ी भी गाइस फेल हो चुकी है। गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर गाइस और भाई लेजेंडर मतलब मैं तो बता ही नहीं सकता यार मेरे को नहीं पता गाइस मेरे को इतना पता है कि लेजेंडर आज के चैलेंज में विनर नहीं होने वाली है। तुम लोग अभी से मेरे से लिख के लिखवा लो भाई ये गाड़ी की स्पीड मैं पहले ही बता रहा हूँ यार इसकी स्पीड तुम देखो गाइस तुम लोग बस इसकी स्पीड पे ध्यान रखना मेरी नज़र तो भाई है भाई स्पीडोमीटर पे मैं सामने नहीं देख रहा मैं स्पीडोमीटर देख रहा हूँ भाई स्पीड देख रहा हूँ 320 गई है आराम से चली जाएगी भाई ये देखो ओके ये ओके 320 एंड ओके जंप के टाइम पे स्पीड कम हुई थी थोड़ी सी क्या ये फिनिश के अंदर जाएगी या फिर नहीं। जी नहीं गाइस स्पीड बहुत ज़्यादा थी लेजेंडर की और अपनी लेजेंडर भी जो है मैंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये गाड़ी जो है
भाई आज के चैलेंज में फेल होने वाली है गाइज। अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइज अपने फोर्ड की मस्टैंग जीटी गाइज। और यार मस्टैंग मेरे को लगता है इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये गाड़ी जो है लाइक ये चैलेंज कर जाए, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड शायद थोड़ी सी कम पड़ेगी। पर नहीं नहीं अरे ले भाई ये तो 400 मतलब चौथे ही गियर में जो है 300 पार चली गई। और क्या ये 400 तक जाएगी गाइज? लगता तो नहीं है 400 तक जाएगी, बट देख ले मैं क्या ही जा रहा है। ओके 360 तक तो ये जा चुकी है, 61 ओके मतलब 400 तक नहीं गई है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एंड ये लो भाई फिनिश के तो अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर से निकल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा आगे मतलब जाके ये लैंड होने वाली है भाई S11 क्लासिक की छत पे। ओ भाई जरा सी बची है अपनी शायद S11 क्लासिक। हाँ ये गाड़ी यहाँ पर आगे लैंड हुई, थोड़ी सी अगर उधर और होती ना तो भैया पिचक जाती भाई अपनी S11। गाइस अभी बारी है यार अपने बिग डैडी SUV स्कॉर्पियो N की गाइस। और देखते हैं यार स्कॉर्पियो N थोड़ी सी भारी SUV है, क्या पता जो है मतलब ये गाड़ी मतलब लाइक कर जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है यार कि ये वाली गाड़ी कर पाएगी, बट देखने में क्या जा रहा है। फिलहाल स्पीड ओके स्पीड यार बढ़ रही है भाई अपनी क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो N की, और 300 तक ये चली जाएगी मेरे को लग रहा है। गई भाई गई 300 गई गाइस, 300 जा चुकी है, 322 24 25 26 ले भाई अब तो नहीं लगता है किसी भी एंगल से जो है मतलब इस बॉक्स के अंदर फिट हो पाएगी। फिलहाल वो यार बहुत ज़्यादा लंबा जंप हो गया है गाइस, प्लीज़ यार प्लीज़ कुछ चमत्कार हो जा गिर जा एंड जी नहीं गाइस भाई अपनी S11 मतलब अपनी जो बिग डैडी SUV है वो भी यार अपने इस बॉक्स के पूरे बाहर आ चुकी है, तो इसका मतलब ये भी आज के चैलेंज में फेल हो चुकी है। गाइस अभी बारी है यार अपने रातातर टोयोटा सुप्रा की गाइस। और यार मतलब सुप्रा से तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है, मजाक से हट गया यार। मतलब लॉन्ग जंप चैलेंज वगैरह अगर ऐसा कुछ सीन होता तो मेरे को एक बारी को मैं कॉन्फिडेंस हो जाता है इस गाड़ी पे, बट जिस हिसाब से चैलेंज है ना इस चैलेंज में भाई गाड़ी की स्पीड कम चाहिए। और सुप्रा की स्पीड तुम देखो यार, ये देखो भाई 500 की स्पीड, सोचो ऑलमोस्ट 500 की स्पीड से गाड़ी जंप कर रही है, तो तुम लोग कैसी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो यार कि ये गाड़ी भाई उस डब्बे के अंदर जाके फिट हो जाएगी। नहीं यार वो तो ऐसा कुछ चमत्कार बेमत्कार टाइप का हो जाए भाई भी पॉसिबल है, वरना तो भाई ये देखो भाई कितना ज़्यादा दूर आ गई है गाइस ये देखो। एंड ओके ये गाड़ी ने अपना अलग ही मतलब लाइक होता है थोड़ा जलवा दिखा दिया है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गाइस। और भाई मेरे को इनोवा क्रिस्टा से थोड़ी होप है गाइस कि ये वाली गाड़ी जो है शायद परफेक्ट जो है भाई वहां पर ना फिट बैठ जाए। अब देखते हैं क्या होता है, स्पीड से ही पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या सीन होने वाला है। और स्पीड तो बढ़ती जा रही है भाई इसकी भी, ओके ये भी 300 पार चली जाएगी गाइस। अरे नहीं यार 300 पार जा चुकी है गाइस, तो काफ़ी मुश्किल है, बट मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। तो देखते हैं क्या होता है, क्या पता यार क्या पता कुछ चमत्कार टाइप का हो जाए कि गाड़ी जो है भाई सीधा जो है उसके अंदर जाके लैंड हो जाए, क्या पता। एंड ओके थोड़ी बैक फ्लिप व्लिप करा के दिखाऊँ, देखूँ क्या क्या पता ये डब्बे में फिट हो जाए गाइस। ओ नहीं यार कोई उस चीज़ से ना उतना कुछ खास फर्क पड़ा भी नहीं भाई, मेरे को लगा था बैक फ्लिप व्हीलर मार के थोड़ा गाड़ी की हवा में स्पीड कम होगी तो शायद भी डब्बे में फिट हो जाए अपने फिनिश में, बट नहीं ऐसा वो नहीं हुआ है। तो गाइस अपनी इनोवा क्रिस्टा भी अपने आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अभी बारी है यार अपने पोर्शे की गाइस। और भाई पोर्शे का देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल तो यार देखो सुपर मतलब सुपर और स्पोर्ट्स कार से तो आप लाइक बिल्कुल भी होप रखो मत कि ये गाड़ियाँ जो है भाई ये चैलेंज कर सकते हैं। एक बारी को इंडियन कार तो अपनी मतलब लाइक वैसे अपनी तुम्हारे महीने जितनी भी इंडियन कार इस लिस्ट में रखी है सारी की सारी से खतरनाक है, तो उनसे भी ज़्यादा कुछ खास उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। वो तो पता नहीं भाई महिंद्रा थार पता नहीं आज कौन से मन में थी जो मतलब वो लाइक होता है वो भी भाई पूरी की पूरी भारी जा रही थी पर वो दीवार में टकरा के अंदर आ गई, वरना वो वाली भी गाड़ी भी शायद आज के चैलेंज नहीं कर पाती। बट और से तुम लोग गाड़ी देख सकते हो यहाँ पर भाई ऑलमोस्ट 350 की स्पीड थी इस गाड़ी की। एंड क्या ये गाड़ी जो है क्या ये फिनिश के अंदर गिरने वाली है? नहीं यार गाइस मेरे को लगा था फिनिश के अंदर गिरेगी बट ये उल्टी गिर रही है भाई पूरी। और भाई साहब पता नहीं क्या निकल के गिर गया गाइस इसका,
बोनेट निकल गया इसका। और भाई साहब भाई क्या ही खतरनाक ही मतलब लेके डैमेज हुई है यार। तो गाइस अभी बारी है यार अपनी न्यू वाली मॉन्स्टर बीट फॉर्ट एंडओवर की गाइस। और भाई यार देखो जब पुरानी वाली एंडओवर नहीं कर पाई है तो नई वाली एंडओवर से तो बिल्कुल भी होप मत करना, क्योंकि नई एंडओवर देखो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो भाई न्यू मतलब ओल्ड एंडओवर से 21 ही है, मतलब 19 भी नहीं है भाई, 21 नंबर है समझ रहे हो, मतलब 20 भी नहीं है भाई, 21 है ये गाड़ी। तो लाइक इससे तो होप करो ही मत भाई, ये गाड़ी उससे तेज भागती है एंड इवन इसका इंजन भी उससे पावरफुल है। तो मतलब भूल जाओ गाइस कि अपनी भाई न्यू वाली एंडओवर किसी भी कीमत पे जो है ये चैलेंज कर पाए। हाँ मे बी जो है गाड़ी भारी होने की वजह से क्या पता कुछ जादू वीदू हो जाए एंड ओके नहीं हो पाएगा भाई। गाड़ी ने जो ज़बरदस्त और बढ़िया एकदम परफेक्ट जंप किया है ना, मेरे को लगता ही है गाइस कि ये वाली गाड़ी बॉक्स में फिट होने वाली है। एंड जी हाँ गाइस भाई अपनी न्यू वाली जो मॉन्स्टर बीस्ट एंड ओवर है गाइस वो भी जो है भाई आज के चैलेंज में भाई फेल हो चुकी है। तो गाइस ये अपने चैलेंज की लास्ट गाड़ी है और ये है गाइस अपनी ऑडी R8 गाइस। और देखते हैं यार क्या आपका ऑडी R8 जो है भाई वो चैलेंज कर ले। वैसे तो भाई अपने आज के इस पूरे चैलेंज में मतलब भाई सिर्फ एक ही गाड़ी ने अभी तक ये चैलेंज पूरा करा है, वो है गाइस अपने महिंद्रा थार। और महिंद्रा थार के लिए यार देखो ओपी तो कमेंट में बनता है बिकॉज गाइस वैसे तो ओपी तो नहीं बनता है क्योंकि यार वो वाली गाड़ी की अगर स्पीड वाइज देखा जाए तो बाकी सभी गाड़ी से उसकी थार की स्पीड काफ़ी कम रही है, जिस वजह से शायद वो वाली गाड़ी जो थी चैलेंज कर पाई। बाकी हाँ भाई अपनी ऑडी R8 लाया है भाई, ये भी 300 टच कर गई है बट ओके थोड़ी सी स्पीड नहीं 300 की स्पीड है। ओ भाई बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो गई है ऑडी R8 की गाइस। क्या ये गाड़ी जो है क्या ये वही ओ क्या क्या होगा, क्या ये पार है क्या अंतर है और मेरे को कुछ समझ। और यार गाइस भाई कितना क्लोज थी यार ऑडी R8। अरे भाई मेरे को एक बार को लगा था कि ऑडी R8 अरे भाई कर गई बट काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी यार ऑडी R8। तो गाइस यहाँ पर मतलब ऑडी R8 के साथ तो बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हो गया, मतलब एक होता है ना कि हाथ तो आया मुंह को ना लगा भाई, ऑलमोस्ट चैलेंज हो ही गया था भाई इससे बट नहीं हुआ। तो गाइस आज के अपने इस चैलेंज में भाई जो है भाई अपनी सिर्फ महिंद्रा थार ने ये चैलेंज करा है, बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो मतलब लाइक थार से अच्छा ही उन्होंने परफॉर्म करा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि सभी गाड़ियों ने जो अपना फिनिश उसके पार आके ही जंप करा है, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी कि भाई अपना उसके बॉक्स के पीछे ही जो है जंप कर गई हो। तो इसीलिए एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो फिलहाल हम यहीं पर एंड करते हैं। और गाइस अगर तुम लोग को यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।